कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। इस जीत के बाद ज्यादातर स्पॉटलाइट मेंटर गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर पर थी, लेकिन यह शायद ही किसी को पता होगा कि केकेआर की जीत में सबसे बड़ा किरदार एक गुमनाम क्रिकेटर का रहा है। इस क्रिकेटर ने न सिर्फ अच्छे घरेलू प्रतिभाओं को पहचाना बल्कि उसे टीम से जोड़ने में भी कामयाब रहे। ये पूर्व क्रिकेटर और कोई नहीं बल्कि केकेआर के बल्लेबाजी कोच अभिषेक नायर हैं। उनके पर्दे के पीछे किए गए प्रयास और शानदार कोचिंग ने टीम की सफलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे नायर ने कोलकाता के इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नायर डगआउट में गंभीर के साथ बैठकर प्लान बनाते रहे और टीम सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। केकेआर के बल्लेबाजी कोच अभिषेक नायर ने आईपीएल 2024 की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने टीम के मुख्य खिलाड़ियों को एकजुट होकर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। सुनील नरेन, आंद्रे रसेल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों से उनका बेस्ट प्रदर्शन निकलवाने में कामयाब रहे। वेंकटेश अय्यर से लेकर वरुण चक्रवर्ती तक ने ट्रॉफी जीतने के बाद अभिषेक नायर को केकेआर के अंदर मजबूत भारतीय कोर तैयार करने का श्रेय दिया। इस कोर ने पूरे सत्र में संतुलित और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। अभिषेक नायर को अपनी शानदार कोचिंग शैली के लिए जाना जाता है। केकेआर पिछले दो सीजन से फ्लॉप रही थी। मध्य क्रम में वेंकटेश अय्यर का न चलना एक बड़ी वजह थी। हालांकि इस सीजन वेंकटेश ने महत्वपूर्ण मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। नायर ने वेंकटेश जैसे खिलाड़ियों को फिर से उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेंकटेश ने स्वीकार किया कि नायर ने लगातार बेहतर बल्लेबाजी के लिए प्रेरित किया और इससे उनकी बैटिंग पर काफी प्रभाव पड़ा। पर्दे के पीछे काम करने के कारण नायर के योगदान पर किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि फाइनल के बाद कई खिलाड़ियों ने केकेआर को एकजुट करने और रणनीतिक गेमप्ले में उनकी भूमिका को उजागर किया। नायर कभी क्रेडिट लेने के लिए सामने नहीं आए और अपना काम चुपचाप करते रहे। उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। नायर का प्रभाव सिर्फ केकेआर पर नहीं है बल्कि उन्होंने कई खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। नायर एक समय मुंबई इंडियंस की टीम से भी जुड़े रहे थे। रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक जैसे सितारों ने भी अपने करियर में बदलाव का श्रेय उनके मार्गदर्शन को दिया था। ऐसे में नायर का प्रभाव भारतीय क्रिकेट पर भी रहा है। क्रिकेट रणनीति के बारे में नायर की गहरी समझ केकेआर के रणनीतिक दृष्टिकोण में स्पष्ट थी, खासकर महत्वपूर्ण मैचों में जहां उनकी खेल योजनाओं ने केकेआर को अहम मौकों पर जीत दिलाई। अभिषेक नायर ने टीम का मनोबल ऊंचा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। इसने केकेआर के सफल अभियान के लिए जरूरी सकारात्मक और प्रेरित माहौल को बढ़ावा दिया। नायर को भारतीय क्रिकेट के अंदर सबसे सूझबूझ वाले खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। वह टीम इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। घरेलू क्रिकेट में नायर के नाम कई रिकॉर्ड हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह उतने कामयाब नहीं हुए। खिलाड़ियों के विकास पर नायर के जोर ने सुनिश्चित किया कि अनुभवी खिलाड़ियों और टीम में नए आने वाले खिलाड़ी दोनों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक समर्थन मिला। इससे केकेआर की टीम एकजुट हुई। गौतम गंभीर और चंद्रकांत पंडित के साथ एक मजबूत कोचिंग सेटअप के हिस्से के रूप में नायर की अंतर्दृष्टि और कोचिंग रणनीतियों ने सीजन के लिए केकेआर की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीत के बाद केकेआर के कई खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से अपनी सफलता में नायर की भूमिका को स्वीकार किया। उनके अमूल्य योगदान के लिए टीम और खिलाड़ियों के भीतर उनके लिए सम्मान को उजागर भी किया। वेंकटेश ने तो यहाँ तक कहा कि नायर अंडररेटेड हीरो हैं, जबकि उन्होंने हमारी टीम के लिए जो किया वह शायद ही कोई कर सकता है।